सो हे गाइस, स्वागत है आपके एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और साथ में डिस्कस करेंगे भी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसको लेकर। दोनों डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और दोनों शेयरों में आज हमें डिफेंस सेक्टर की जो दोनों कंपनी है, HAL में हमें देखने को मिली तेजी 4% के करीब, और BEL में आप लोग देखोगे 5% की गजब की रैली देखने को मिली है। तो काफ़ी शानदार तेजी, और तेजी के पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट क्यों आया है और जो हमारे टारगेट थे वो भी यहाँ पर अचीव हुए हैं। अभी पहला टारगेट 216 का था ना, अभी आज आ गया स्टॉक में। उसके बाद 225 का हमारा नेक्स्ट टारगेट था, किसके अंदर, BEL के अंदर। और वहीं HAL के अंदर मैंने आपको 3500 रुपये का ऊपर में टारगेट दिया हुआ था, 3500-3600 तक के मूव स्टॉक में हमें दिखा सकते हैं। 2900 के आसपास था तब बोला, और आप लोगों के सामने भी 3548 के भाव में HAL पहुंच चुका है। और BEL आप लोग देखोगे 222 का हाई बनाया स्टॉक ने, 222 से 223 के आसपास का आज का इसका जो अभी बाउंड वीक हाई रहा है, देख सकते हो जबरदस्त रैली स्टॉक में। तो अब यहाँ से क्यों तेजी बनी है, क्योंकि कंपनी ने जो ना अभी अपना टर्नओवर फाइनेंशियल 2023-24 के बीच का जो अभी अपना टर्नओवर शो किया था, डिस्क्लोज किया था कल के दिन, HAL के अंदर 9% से 13% की ग्रोथ रही है, 13% जबरदस्त ग्रोथ रही है डबल डिजिट में। वहीं आप लोग देखोगे 15-16% के करीब जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिली है BEL के अंदर। तो ये आंकड़े बताते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आएंगे, रिजल्ट जबरदस्त आएंगे। ऑर्डर बुक भी आप लोग देखोगे दोनों कंपनियों की जबरदस्त इंक्रीज हुई है, 76,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है भाई BEL लिमिटेड की, और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसकी लगभग 94 से 96 हज़ार करोड़ के आसपास पहुंची है। तो जबरदस्त आंकड़े आए, जबरदस्त डाटा आया, जिसकी बदौलत स्टॉक में तेजी बनी। तो चलिए देखते हैं कल के कैसे हो सकते हैं इनके लेवल वगैरह, और अभी आगे के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी BEL का जो डाटा देखने को मिला है, 211 प्रीवियस क्लोजिंग थी, ओपन कहाँ पर आया 213.75 रुपये, और 272.60 रुपये तक स्टॉक नीचे में आया, ठीक है। ओपनिंग जो इसकी हुई थी वो ठीक ठाक रेंज में हुई थी। उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक ने आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दिखाई है, जबरदस्त रैली 222.65 तक स्टॉक ऊपर में गया, क्लोजिंग इसके जो आई है 221 रुपये के आसपास। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे 44,000 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर, डिलीवरी पोजीशन देखोगे 33.5% के आसपास, डाटा पॉजिटिव है। तो चलिए अब देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी हमारे ऊपर में लेवल्स थे वो यहाँ पर हमें देखने को मिल गए हैं, जबरदस्त रैली स्टॉक में बनी है। नीचे के भाव में बोला था बड़ा मौका है, यहाँ पर भी बोला था बड़ा मौका है, उस समय रिजल्ट्स आए थे और यहाँ पर मार्केट में एक बड़ा फॉल बना था, उस कंडीशन में इस स्टॉक में बहुत बड़े बड़े मौके दिए भाई, और ऐसे मौके मेरे को नहीं लगता कि बार बार यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और अभी के टाइम बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कब फिर से 200 के रेट में आएगा, कब फिर से 200 के रेट में आएगा भाई, कब का तो पता नहीं है। जब मौके होते हैं आप लोग हाथ लगाते नहीं हो, जब चलने लग जाते हैं फिर आप लोगों की आंखें खुलने लग जाती है, यही आप लोगों को पछतावा जो अभी बार बार होता है हर बार। इसलिए बोलता हूँ मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे तो टाइम के साथ साथ बहुत कुछ सीखोगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में काफ़ी टाइम से एक ऊपर के लेवल पर ट्रेंड बना हुआ था ना, यहाँ पर देख सकते हो भी स्टॉक इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, यहाँ तक जाता है फिर स्टॉक में करेक्शन बनती है। यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर भी चेक किया होगा, तो स्टॉक में एक तीखा फॉल बनता है। तो यहाँ से चांस है, देखो भाई रिजल्ट्स भी आएंगे, रिजल्ट से पहले स्टॉक में तेजी बने तो एक हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन परेशान नहीं होना है, जैसा वैसा स्टॉक को रखिए। अभी टाइम अगर आपकी होल्डिंग है तो 216.60 के सपोर्ट के साथ आगे के लिए तैयारी अपनी जो अभी बरकरार रखिए। अगर ऊपर रहता है स्टॉक तो अपनी होल्डिंग बनाए रखो, एक आधे बार अगर नीचे आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तीखी गिरावट आती है, तो 205 रुपये तक के मूव हमें नीचे में देखने को मिल सकते हैं, वहां पर एक बड़ा मौका होगा हमारे लिए फ्रेश एंट्री का, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम ऊपर में अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो 250 तक के मूव कहीं दूर नहीं। तो इसलिए 216 रुपये के ऊपर में होल्डिंग बनाए रखो, नीचे आ जाए थोड़ा बहुत प्रॉफिट लो भाई एक बार, फिर नीचे में दोबारा आपको मौका मिल जाएगा 210 से 205 के बीच में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने का, ठीक है। एक अच्छी एंट्री लेनी है और ऊपर में 250 से 300 रुपये तक के मूव हमें अगले 3 से 6 महीने में यहाँ पर आते हुए नज़र आ सकते हैं, बड़ा मौका है लॉन्ग टर्म में। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड स्टॉक का चार्ट। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे भी बार बार बोला मौका है, इस गिरावट में आया तब भी बोला भाई बहुत बड़े मौके बन रहे हैं डिफेंस सेक्टर की कंपनी में, मजगांव डॉक में बोला, HAL में बोला है, BEL में बोला है, साथ में आप देखो जो कोचिंग सीपीएड है वहाँ पर भी बोला। जो भी भाई टेलीग्राम से जुड़ा है उन्हें टाइम टू टाइम एक अच्छी खासी लेवल के ऊपर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट आई होगी, और ऊपर में आप लोग देखोगे स्टॉक में कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ, ठीक है। 2900 से 2850 के लेवल से आप लोग देखोगे स्टॉक पहुँचा हुआ 3500
3148 जबरदस्त रैली। ठीक है, पहला टारगेट था भी हमारा 3129 रुपये को ब्रेक करने के बाद, पहला टारगेट था ऊपर में 3400 का ब्रेक हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है ऊपर में 3400 के बाद 3777 और 3882, ये मैंने आपको बोला था अगले 3 से 6 महीने के दौरान देखने के लिए जिस प्रकार से स्टॉक में ग्रोथ आई है, ये रैली हमें जो अभी क्वार्टर रिजल्ट के आसपास देखने को मिल सकती है। तो मार्च क्वार्टर जो रिजल्ट है वो अप्रैल और मई में आने हैं, जैसी डेट अनाउंस होगी वो भी आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अभी टाइम अगर आप लोग सपोर्ट पर काम करना चाहते हो भी एसएल के साथ, तो इसका जो एसएल बन रहा है 3400 के आसपास का है। ठीक है, इसके साथ चलिए आगे के लिए, इसके नीचे में आए तो प्रॉफिट लो, एक बार ऊपर में अगर जाता है फिर से तो एंट्री आनी चाहिए। ठीक है, ऊपर में 3777 और 3882 ये मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।